आईपीएल 2023 के ऑप्शन को लेकर बीसीसीआई बता चुका है कि आईपीएल 2023 के लिए हमें यहाँ पर मिनी ऑप्शन देखने को मिलेगा और मिनी ऑप्शन में यहाँ पर टीमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 10, 12, 13 प्लेयर को यहाँ पर रिटेन कर सकती है। सभी टीमों ने हाल फिलहाल में काफी सारे खिलाड़ियों के नाम कन्फर्म कर दिए। इन खिलाड़ियों को ये टीम आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए अपनी टीम में रिटेन कर चुकी है। कुल मिलाकर अब इन खिलाड़ियों का नाम नीलामी में नहीं आएगा। मैं इस वीडियो में आपको सभी 10 टीमों के कन्फर्म्ड रिटेन प्लेयर्स के नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि टीमों ने कौन कौन से प्लेयर्स को अपनी टीमों में रिटेन रखा है। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही शानदार फैंटेसी ऐप रॉयल 11 के बारे में बताना चाहूँगा, जिसके अंदर आप इंडियन T20 लीग में टीम बनाकर लाखों रुपए बड़े आसानी से कमा सकते हो। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको रेफर करोगे तो 2000 या फिर 5 गुना तक बेनिफिट भी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जो दिनेश कार्तिक हैं वो भी जुड़ चुके हैं रॉयल 11 के ऐप के साथ। साथ ही साथ दोस्तों, दूसरे ऐप से हटकर इसके अंदर अगर आप मेगा लीडर बोर्ड को ज्वाइन करते हो तो आपके पास मौका है महिंद्रा थार, कावासाकी निंजा 300 या फिर रॉयल एनफील्ड जीतने का। और अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको आपके का और फर्स्ट डिपॉजिट का 5% कैशबैक मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी जाकर डाउनलोड कर लो रॉयल 11 को। अब हम बात करते हैं कि सभी टीमों की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर अपनी टीमों में रिटेन हुए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। तो सीएसके की टीम ने अब तक जिन रिटेन खिलाड़ियों के नाम बताए, इनमें नाम आता है रविंद्र जडेजा का नाम आता है, एमएस धोनी का नाम आता है, अंबाती रायडू नारायण जगदीशन का नाम आता है, ड्यूएन ब्राउ शिवम दुबे का नाम आता है, यहाँ पर दीपक चाहर का, इसके साथ ही नाम आता है महेश दीक्षणा का नाम आता है, प्रशांत सोलंकी का और नाम आता है मुकेश चौधरी का। हाल फिलहाल में चेन्नई की टीम ने इन खिलाड़ियों के नाम बताए, इनमें ना ही गायकवाड़ का और ना ही यहाँ पर अदर खिलाड़ियों का कि इस टीम के लिए पिछले सालों में इंपोर्टेंट रहे, उनका नाम है नाई मोइन अली का नाम है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चेन्नई की टीम की तरफ से हो सकता है कि यहाँ पर सरप्राइजली गायकवाड़ को या फिर कुछ बड़े नामी खिलाड़ियों को ये टीम अपनी टीम से बाहर, टीम से रिलीज कर दे। आप कमेंट करके बताइए आप चेन्नई के यहाँ पर रिटेन प्लेयर से सहमत हो या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नाम आता है ऋषभ पंत का नाम आता है, डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शो, सरफराज खान का नाम आता है, अक्षर पटेल आंध्र नाम आता है, यहाँ पर रोमेन पोयल का नाम आता है, एंड्रिज नोकिया का नाम आता है, यहाँ पर रहमान का, कुलदीप यादव का, शार्दुल ठाकुर का और चेतन सकारिया का। तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से यहाँ पर इन खिलाड़ियों का रिटेन होना ऑलमोस्ट कंफर्म, ऑलमोस्ट तय हो चुका है। अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की। तो गुजरात टाइटंस के लिए नाम आता है कप्तान हार्दिक पांड्या का, डेविड मिलर का नाम आता है, शुभमन गिल का नाम आता है, रिद्धिमान शाह, अल्जारी जोसेफ का नाम आता है, जयंत यादव का नाम आता है, राहुल तेवटिया का और नाम आता है, लोकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी और नाम आता है, राशिद खान का। तो कुल मिलाकर गुजरात की टीम इन खिलाड़ियों को अब अगले आईपीएल एडिशन के लिए अपनी टीम में रिटेन रखेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो कोलकाता की तरफ से नाम आता है सुरेश अय्यर, नीतीश राणा, सुनील नारायण का, इसके साथ ही नाम आता है रिंकू सिंह का, आंध्र असल का नाम आता है, टीम साउथी का नाम आता है, उमेश यादव का नाम आता है, अमन खान का। हाल फिलहाल में केकेआर की टीम ने केवल इन्हीं खिलाड़ियों का नाम बताया, आने वाले दिनों में इस लिस्ट में अब और भी नाम ऐड हो सकते हैं। इसी वजह से आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर और खिलाड़ियों के नाम ऐड होने पर वो खबर, वो अपडेट मिल जाए। बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो लखनऊ के लिए नाम आता है कप्तान केएल राहुल का नाम आता है, क्विंटन डिकॉक, जेसन होल्डर, दीपक हुड्डा का नाम आता है, कृणाल पांड्या, मार्कस टोइनिस, आवेश खान नाम आता है, यहाँ पर चमीरा का नाम आता है, मोइजिन खान का नाम आता है, यहाँ पर रवि बिश्नोई का और नाम आता है, आयुष बदोनी का। तो कुल मिलाकर इन खिलाड़ियों का भी अब लखनऊ की तरफ से रिटेन होना पूरी तरीके से 100% कन्फर्म है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस के लिए नाम आता है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव का नाम आता है, ब्रेविस का, अर्जुन तेंदुलकर का नाम आता है, यहाँ पर ऋतिक शौकीन का नाम आता है, जोफ्रा आर्चर का नाम आता है, कायरन पोलार्ड, तिलक वर्मा, मयंक मारकंडे का। तो ये खिलाड़ी भी अगले आईपीएल एडिशन में मुंबई की तरफ से रिटेन, मुंबई की टीम में कंटिन्यू रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के लिए नाम आता है मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, जितेश शर्मा का नाम आता है, खगेश्वर अबाड़ा, लिविंगस्टोन, ऋषि धवन नाम आता है, अर्शदीप सिंह का नाम आता है, संदीप शर्मा का और एडगेंड नाम आता है, राहुल चेयर का। तो पंजाब के लिए भी ये खिलाड़ी अगले आईपीएल एडिशन में कंटिन्यू या फिर रिटेन रहेंगे। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो राजस्थान के लिए नाम आता है संजू सैमसन, देवदत्त पाडिकल, रियान पराग का नाम आता है, शिमरन हिटमायर का नाम आता है, जोस बटलर, रवि अश्विन, कुलदीप सेन नाम आता है, प्रसिद्ध कृष्णा का, इसके साथ नाम आता है, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल का। तो कुल मिलाकर राजस्थान की टीम से ये खिलाड़ी भी अगले आईपीएल एडिशन में कंटिन्यू रहेंगे। अब बात करते हैं आरसीबी की। तो आरसीबी के लिए नाम आता है कप्तान फेफ डुप्लेसी का, विराट कोहली का नाम आता है, दिनेश कार्तिक का, इसके साथ ही नाम आता है ग्लेन
में खेले शाहबाज अहमद, और इसके साथ नाम आता है हसरंगा अक्षदीप का, हर्षल पटेल का, और एट द एंड नाम आता है जोश हेजलवुड मोहम्मद सिराज का। तो कुल मिलाकर आरसीबी की तरफ से भी ये खिलाड़ी रिटेन होंगे अगला आईपीएल एडिशन में, ये खिलाड़ी यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे। अब एट द एंड हम बात कर लेते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद के लिए नाम आता है केन विलियमसन का, एडम मार्करम का नाम आता है, राहुल त्रिपाठी का नाम आता है, अभिषेक शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, कार्तिक त्यागी का, इसके साथ ही नाम आता है टी नटराजन, उमरान मलिक का, और नाम आता है जगदीश सुचित का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हैदराबाद की तरफ से भी इन खिलाड़ियों के नाम आए, तो अब तक सभी टीमों की तरफ से इन खिलाड़ियों के नाम कन्फर्म है जो कि अगले आईपीएल एडिशन में अब इन टीमों की तरफ से रिटेन रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इन टीमों को और कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलीज खिलाड़ियों में से आखिर कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा ऑप्शन में बिकेगा, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।